CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। आज जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक छोटी सी कविता जो शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। यह वसंत भाग 2 जो कि 7वीं की किताब है उसका पहला ही पाठ है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम पंछी की बात करते हैं। कविता का शीर्षक पहले ही आपको बताया जा चुका है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इस कविता में पंछी की बात की जा रही है। पंछी का मतलब चिड़िया जो उन्मुक्त होकर आकाश में उड़ते हैं, जो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाना चाहते हैं, जो अपने मन के अनुसार खुले आसमान की ओर भाग जाना चाहते हैं। वैसे ही पंछी की बात आज इस कविता में होने वाली है। और पंछी ही क्या, हमारे आपके सबके मन में कहीं न कहीं चिड़िया एक बैठी होती है जो उन्मुक्त होना चाहती है, जो आज़ादी चाहती है। मन हमारा भी चाहता है कि हमारे मन में जो हो हम वैसा ही करें, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। और अभी जब हम आप सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, विद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे मन के अंदर का पंछी बार बार उड़ना चाहता है। तो हमारी हालत भी अभी कुछ वैसी ही है। हम आज़ाद तो हैं लेकिन अपने घर की चार दीवारियों के बीच में। तो हमारी आपकी सबकी हालत अभी उस पंछी जैसी ही है जो कि इस कविता में कवि बताने वाले हैं। तो आइए इस रोचक, आनंददायक और अभी के समय से जुड़ी हुई कविता को पढ़ते हैं। कविता को समझने के लिए, उसका अर्थ करने के लिए आवश्यक है कि हम कविता का एक पाठ करें, और पाठ भी कैसा, जो उचित आरोह और अवरोह के साथ हो। आरोह अवरोह का मतलब उतार और चढ़ाव। अगर आप उतार चढ़ाव के साथ कविता को नहीं पढ़ेंगे, गीत को अगर उसके लय के अनुसार नहीं गाएंगे, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उचित उतार चढ़ाव के साथ उसको गाते हैं, पढ़ते हैं, तो आधे से अधिक कविता हमारे आपके सबके समझ में आ जाती है। तो आइए मैं आप सबके साथ प्रयास करता हूँ इस कविता के पाठ का। मेरे साथ साथ आप भी अपने मन में इस कविता को पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने सामने कविता रखें और कोशिश करें कि उतार चढ़ाव के साथ हम इसको पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात फिर हम इसके अर्थ के संदर्भ में क्या क्या बातें की गई है इस कविता में ये समझेंगे, जानेंगे। लेकिन पहले एक पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो,
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आपने सुन ली कविता और मुझे लगता है कि पाठ करते हुए थोड़ी बहुत बात कविता के संदर्भ में आपके समझ में अवश्य आई होगी। आप समझ गए होंगे कि किस विषय पर लिखी गई कविता है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस कविता में आई हुई चिड़िया के बारे में। क्या ये चिड़िया स्वतंत्रता चाहती है, आज़ादी चाहती है? आपको क्या लगता है कि ये किस चिड़िया की आवाज़ है? क्या किसी ऐसी चिड़िया की आवाज़ है जिसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, या ऐसी चिड़िया की आवाज़ है जिसे पूरी आज़ादी हासिल है उड़ने की, खाने की, फुदकने की, भागने की, खुले आसमान में उड़ने की? अगर आपको लगता है कि ये उस चिड़िया की बात हो रही है जिसकी आज़ादी छीन ली गई है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आज़ादी की बात वही करता है, स्वतंत्रता की बात वही करता है जिसकी आज़ादी छीन जाती है। और वो उन दिनों को याद करता है, उन दिनों के बारे में स्वप्न देखता है जिन दिनों में उनको स्वतंत्रता और आज़ादी हासिल होते थे। वैसे ही जैसे आजकल आप अपने विद्यालय के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि काश दोस्तों से मिलना होता, काश पार्क में और बाहर खेलने दौड़ने भागने को मिलता, काश खेल के मैदान से निकलकर अपने कक्षा में जाते, पढ़ते, मित्रों से मिलते, हंसते बोलते, ठहाके लगाते, बाजार में घूमते। पर ये सब अभी बीते दिनों की बात है। तो आप भी इन दिनों के बारे में सोच रहे होंगे, स्वप्न देख रहे होंगे। आप इन बातों को अपने दिमाग में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें और फिर इस कविता का अर्थ लगाने का प्रयास करें, तो देखिए कितना आनंद आएगा और आप एक एक कर कविता की पंक्तियों का अर्थ भी समझते जाएंगे। तो चलिए मैं भी आपके साथ अर्थ लगाने का प्रयास करता हूँ। हम पंक्ति पढ़ते हैं और कविता का अर्थ करने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहली पंक्ति से ही। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध ना गा पाएंगे। ये एक पंछी की आवाज है, एक चिड़िया की आवाज है जो कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अपने बारे में बता रही है वो चिड़िया कि हम कैसे हैं उन्मुक्त गगन के। गगन भी कैसा, जो उन्मुक्त है, खुला है, अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गगन का मतलब आकाश। तो पंछी अपने बारे में बता रहे हैं कि हम पंछी कैसे हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के रहने वाले, उड़ने वाले। पिंजड़बद्ध ना गा पाएंगे, पिंजड़बद्ध मतलब पिंजड़े में बंद होना। हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, हमारी आवाज चली जाएगी। वैसे ही जैसे हमें कहा जाए कि आपको एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जा रहा है और अब आप अपने मन की बात कीजिए प्रसन्न होकर, तो क्या हम कर पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बद्ध न गा पाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं गा पाएंगे क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना, एक महंगा धातु है जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक स्वर्ण हो, और सोने के होने से उनको प्रसन्नता मिलती है, उन्हें यह विश्वास होता है कि उनके पास धन है।
तो चिड़िया कह रही है, पंछी कह रहे हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, चाहे सोने का ही पिंजड़ा क्यों ना हो। कनक की, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण की ही तीली से बना हुआ वो पिंजड़ा क्यों ना हो, हमारे पुलकित पंख, पुलकित मतलब प्रसन्न, खुश रहने वाले, जो बिल्कुल उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वैसे पुलकित पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर? कनक तीलियों, चाहे सोने का ही महंगा पिंजड़ा क्यों ना हो, हम उसमें नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम खुले आसमान में रहने वाले पंछी हैं। अब अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी अपने बारे में कह रहे हैं कि हम तो बहते हुए जल को पीने वाले हैं, जो कटोरी में पिंजड़े में पानी दिया जाता है वो पीने वाले नहीं। हमें तो बहता जल पसंद है, चाहे वो नदी का हो, झरने का हो, तालाब का हो। तो हम बहता जल पीने वाले, हम बहते हुए पानी को पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। क्यों? आगे की पंक्तियों में ये बताया गया है, क्योंकि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्योंकि हमें भली मतलब अच्छी, हमें अच्छी लगती है क्या? कटुक, कटुक कटु शब्द से बना है। कटु का मतलब आप लोग समझते होंगे, कड़वी चीजें, कटु से कटु वचन बोलते हैं, वैसे आपने सुना होगा इस शब्द को। तो कटुक निबौरी का मतलब कड़वी नीम की, नीम के जो फल होते हैं जिसे निबोली कहते हैं, वो कड़वी नीम की निबोली हमें पसंद है, उसके बजाय जबकि अच्छे अच्छे पकवान मैदा से बने हुए सुंदर चीज़ें स्वर्ण कटोरी में क्यों ना परोसा जाए। तो कहने का मतलब ये कि सोने की कटोरी में भी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दी जाए, उससे अच्छी तो हमारे लिए कड़वी निबोली है। नीम के फल ज़्यादा अच्छे हमें लगते हैं इस सोने के कटोरी में, पिंजड़े में बंद होकर खाने की अपेक्षा। अब अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये तो बस इन दिनों आप लोगों के मन की ही बात है, समझ लीजिए। जैसे आज कल आप लोग सपने देखते होंगे विद्यालय में पहुंच जाने का, खेल के मैदानों में दौड़ने और भागने का, अपने दोस्तों मित्रों से मिलने जुलने और ठहाके मारने का, वैसी ही कुछ इच्छा इन पंछियों की भी है। वो कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने की श्रृंखला, चाहे सोने के बने हुए बंधन ही क्यों ना हो, वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, रत्न जड़ित ही क्यों ना हो, अलग अलग तरह के स्वर्ण के आभूषणों से, पर हमें वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, हम अपने पंख नहीं खोल पा रहे हैं पिंजड़े में बंद होकर, हम खुले आसमान में उड़ नहीं पा रहे हैं पिंजड़े में बंद होने के कारण। तो ये स्वर्ण श्रृंखला, ये सोने के पिंजड़े, सोने की तीलियां हमारे किसी काम की नहीं है, सोने की कटोरी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं, अब तो बस सपनों में देख रहे हैं। सपनों में क्या देख रहे हैं? तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, तो तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हम तरु की फुनगी का मतलब हुआ कि पेड़ की जो सबसे, पेड़ का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, सबसे ऊपर के भाग को, उसे फुनगी कहते हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ पर जो सबसे ऊंची जगह पर बैठकर हम झूला करते थे, बस वो हमारे लिए अब सपनों की बात हो गई है। तो पंछी उन दिनों को
उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं और स्वप्न के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। और ये सिर्फ पंछी ही नहीं, आपके मन की भी बात हो सकती है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान का मतलब इच्छा, ऐसी हमारी इच्छा थी कि उड़ते, कैसे उड़ते, नीले नभ आसमान की। देखिए यहाँ पर नभ का मतलब है आकाश, और आकाश की विशेषता बताने के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया गया है नीले। तो नीले नभ, नीले आसमान की सीमा पाने के लिए हम उड़ते। और आगे की कल्पना यह है कि लाल किरण सी चोंच खोल, आप देखें कि लाल किरण जो सूर्य की किरण होती है वो लाल रंग की होती है, जब सवेरे सवेरे की किरण होती है, और कई चिड़ियों के चोंच भी लाल होते हैं। तो लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर हम क्या करते, आसमान में इतनी दूर उड़ जाते, इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों की कल्पना है, तारक अनार के दाने। हम तारों को अनार की तरह, जैसे अनार को चुगते हैं अपने चोंच से, वैसे उन तारों को खुले आसमान में पहुंचकर अपनी चोंच में भर लेते। ये सब चिड़ियों की कल्पना में ही चलने वाली बातें हैं। जब आज़ादी नहीं है उनके पास, जब वो उड़ नहीं सकते, तो अपनी इच्छा स्वप्न के माध्यम से और ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इतना ऊपर पहुंच जाते कि तारों को भी भर लेते हम अपनी चोंच में। अब आगे की पंक्तियों की ओर हम बढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज जहां धरती और आसमान एक साथ मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कहीं दूर आसमान में कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज, और क्षितिज वास्तव में कहीं होता नहीं, दिखाई पड़ता है बहुत दूर कि वहाँ पर क्षितिज है, पर वास्तविकता यह होती है कि क्षितिज कहीं होती नहीं। यह हमारा भ्रम होता है कि वहाँ धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। तो ये पंछी कह रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्षितिज जो सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ का मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन, दौड़ लगाना एक तरह से आप समझिए। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की प्रतियोगिता होती, हम बाजी लगाते, हम होड़ लगाते एक दूसरे से आगे निकल जाने की, और इन पंखों की बाजी में हम लगा देते उस सीमाहीन क्षितिज तक पहुंचने के लिए। मतलब ये कि एक तरह से पंखों की प्रतियोगिता, पंखों की बाजी लगती सीमाहीन क्षितिज तक पहुंच जाने के लिए। और आप जानते हैं कि हर किसी के भागने, दौड़ने या उड़ने की एक सीमा होती है। उस सीमा से आप अधिक उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे, और कई बार तो आपके सांस भी उखड़ जाएंगे, और बहुत लोग तो भागते दौड़ते या ऐसी जगह पर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है। तो पंछी ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है कि उनका क्या होने वाला है, पर इन पंखों की होड़ा होड़ी में जो आनंद है, इसके लिए वो सीमाहीन क्षितिज तक भागने के लिए भी, पहुंचने के लिए भी तैयार हैं, उतनी बड़ी उतनी लंबी उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं। और फिर पंछी कह रहे हैं कि अगर
ये होड़ होगी, अगर ये प्रतियोगिता होगी तो फिर क्या होगा? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जो क्षितिज दिख रहा है, जो कि एक भ्रम है, उससे हम या तो जाकर मिल जाते, वहां पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी तनने का मतलब ये है मृत्यु हो जाना। या तो हम उड़ते उड़ते उस प्रतियोगिता में मर जाते, हमारे सांस उखड़ जाते, दम टूट जाता, या फिर हम उस क्षितिज को ही मिलन बना लेते, हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते। आगे की पंक्तियां हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, एक तरह से पूरी कविता का निचोड़ इसमें मौजूद है। पंछी कह रहे हैं नीड़ का मतलब घोंसला, हमें टहनी का, पेड़ की डालियों का नीड़ ना दो, घोंसला नहीं बनाने दो, तुम चाहो तो तुम्हारे बस में है। एक तरह से ये मनुष्यों को कहा जा रहा है कि हम जिस प्रकार से पेड़ काट रहे हैं, पंछियों के लिए रहने वाले जगह को खत्म तहस नहस करते जा रहे हैं, उसी को संबोधित हैं ये पंक्तियां। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमें पेड़ की टहनी का चाहे घोंसला न बनने दो, चाहे आश्रय मतलब रहने की जगह, चाहे हमारे रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, खत्म कर डालो, तहस नहस कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन पंख तुमने नहीं दिए हैं, पंख तो प्रकृति से मिले हैं, ईश्वर ने दिए हैं, जिसने बनाया है इस प्रकृति को उसी ने ये पंख भी दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारे अंदर उड़ने की जो लालसा, इच्छा और बेचैनी है, आकुल उड़ान का मतलब ये हुआ कि अंदर जो बेचैनी उड़ने की है, इच्छा है, उसमें विघ्न का मतलब व्यवधान, रोकना, उसमें कोई विघ्न नहीं डालो, वो खत्म ना करो, क्योंकि वही है जिसके बल पर हम जिंदा रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कविता कहने को तो पंछियों के बारे में है, चिड़िया के बारे में है, लेकिन इस कविता में आज़ादी की बात की जा रही है, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। चाहे हम हो, आप हो या कोई और हो, जब उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, इसकी बहुत शानदार रोचक अभिव्यक्ति चिड़ियों के माध्यम से इस कविता में की गई है। आप इसे अपने आप से भी जोड़ सकते हैं, आप किसी और से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो खुद चिड़िया बनकर अपने मन की अभिव्यक्ति आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कविता हमारे आपके सबके मन की बात है। तो ये कविता पंछियों की भी है और हमारी भी है, और पंछियों और हम, इन दोनों के माध्यम से इस कविता में पर्यावरण और प्रकृति के बारे में भी बातें की गई है। यह बताने की कोशिश भी की गई है कि अगर यह प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन खत्म होगा, अगर पंछियों को उन्मुक्तता नहीं मिलेगी, उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, छिन जाएगी, तो आज न कल इस पर्यावरण में भी असंतुलन पैदा होगा और हमें, आपको, सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो ये है इस कविता का सार, संक्षेप। आपने पूरी कविता सुन ली, समझ ली, मेरे साथ साथ अर्थ करने के प्रयास में आप शामिल हुए। आइए अब इस कविता के माध्यम से हम कुछ भाषा की भी बात करते हैं, कुछ गतिविधि और कुछ भाषा की बात। आपने देखा होगा इस कविता को पढ़ते हुए कि बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं कि उन शब्दों को बताने के लिए एक और शब्द उनसे पहले रखे गए हैं, और शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे किरण के पहले आपने देखा होगा लाल, लाल किरण,
श्रृंखला के पहले आपने देखा होगा स्वर्ण श्रृंखला। ये वैसे ही है जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काले बादल, तेज बारिश। अब ये किरण की विशेषता है। किरण कैसी है? तो किरण लाल है। श्रृंखला के लिए विशेषता, श्रृंखला की विशेषता बताने के लिए वहां पर एक और शब्द स्वर्ण श्रृंखला का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से बादल शब्द, जब आप कहते हैं कि बादल काले हैं, तो स्पष्ट करने के लिए कि बादल काले हैं, जिसकी बात आप कह रहे हैं वो काले बादल की बात है, आप काले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बारिश की विशेषता, जब आप बताते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है या हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश की विशेषता को बताने के लिए आप तेज या हल्की शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस कविता को पढ़ते हुए आप भाषा की बात भी सीख सकते हैं, व्याकरण की बात भी सीख सकते हैं। अलग से भाषा या व्याकरण की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, कविता में ही व्याकरण है। बस हमें देखना है कि उसका प्रयोग किस प्रकार हुआ है। अब जैसे किरण की विशेषता के लिए लाल शब्द, श्रृंखला की विशेषता के लिए स्वर्ण शब्द, तो इसे ही विशेषण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में जब किसी की विशेषता बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर विशेषण है। तो आपको अलग से विशेषण पढ़ने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बेहतर तरीका भी यही है कि आप कविता पढ़ते हुए, कहानी पढ़ते हुए, जहां जहां विशेषण का प्रयोग किया गया है उसको पहचानें, और पहचान कर या तो उसको चिन्हित करें या अलग से लिख लें। तो आगे जब कभी भी ऐसे शब्द आएंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाइएगा कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विशेषण हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि भूखे प्यासे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब भूखे प्यासे का मतलब क्या हुआ? छिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। भूखे प्यासे का मतलब भूखे और प्यासे, इसको अगर आप अलग अलग कर लिखेंगे तो। जैसे आप दाल भात कहते हैं, भाग दौड़ कहते हैं, तो भाग दौड़ जब आप कहते हैं तो भाग और दौड़, तो इस तरह के दो शब्द जब जुड़े होते हैं तो इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप यहां समास की बात को भी समझ सकते हैं, भूखे प्यासे के माध्यम से, छिन्न भिन्न के माध्यम से, भाग दौड़ के माध्यम से, और भी बहुत सारे शब्दों का उदाहरण आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप 5-10 और ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनको भी लिखिए, तो आप विशेषण की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, समास की बात भी समझ जाएंगे कविता को पढ़ते पढ़ते, और अंत में आप सब के लिए एक सोचने के लिए, समझने के लिए और चेतना फैलाने के लिए एक छोटी सी गतिविधि, जिसके बारे में आप सब विचार कीजिएगा इस पाठ को पढ़ने के बाद, खत्म होने के बाद, कि क्या पक्षियों को पालना उचित है। इस कविता को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर पालना चाहिए, और क्या हमारे पर्यावरण के लिए ये ठीक है? अगर अच्छे से आपके समझ में ये कविता आ गई है तो आप इस गतिविधि को करें, सोचें, अपने मित्रों से बातचीत करें, घर वालों से बातचीत करें, और फिर इस कविता की समझ को आगे बढ़ाएं अपने घर, परिवार, समाज, विद्यालय और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही किसी और पाठ के साथ आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीलकंठ कुमार। अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और तकनीकी सहायक सौम्या मलिक। निर्माण अजीत होरो। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।